हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। जय माता दी, लेट्स रॉक। तो गाइस, आज भी होगा एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो व्लॉग के साथ बने रहिए। क्लाइमेक्स तो आप लोगों ने देख लिया होगा, और क्लाइमेक्स आजकल मैं अपने वीडियोस में क्लाइमेक्स डाल रहा हूँ आपको खुश करने के लिए। तो गाइस, चलते हैं व्लॉग की तरफ, और व्लॉग में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगी। तो लेट्स बिगिन द व्लॉग। बूम, वेलकम बैक गाइस। गेस करो काम, ऑब्वियसली छत पर हूँ अपने रूफ पे। और गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक, हाँ तो गाइस मैं बता रहा हूँ, मेरा फेस ब्लैक आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे धूप है। तो गाइस आज ना कोई चैलेंज है ना कुछ है। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपने प्लांट्स की कैसे टेक केयर करता हूँ। तो लेट्स बिगिन विद दैट, लेट्स गो जी। गाइस, ये देखो मेरा फेवरेट प्लांट, ये मेरा फेवरेट है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए गाइस, अगर प्लांट में कभी भी ये जो ब्राउन वेसल्स और ब्राउन लीव्स होती है ना, मैं इन्हें रोज़ आकर हटाता हूँ। बिकॉज गाइस, इससे जो ग्रीन वाली से ये वाली जो लीव्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है, ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है गाइस। तो ओके, मैं ये जो ब्राउन वाली लीव्स होती है इन्हें हटाता हूँ। तो आई लव गार्डनिंग, आई लव एक्टिंग, आई लव डांसिंग, आई लव कुकिंग, आई लव स्पोर्ट्स टू। भाई मुझे सब पसंद है। बहुत लोग कहते हैं मैं ऑलराउंडर हूँ, बट ऐसा नहीं है। हर कोई अपने चीज़ में बेस्ट होता है, बट मुझे हर चीज़ पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और गार्डनिंग मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, सो वी हैव टू केयर देम। जैसे कि हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, और हम अपने यंगर ब्रदर्स एंड यंगर सिस्टर्स की केयर करते हैं, वैसे भी ये हमारे यंगर सिस्टर्स और यंगर ब्रदर्स होते हैं, तो हमें इनकी केयर ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ अपना, मैं सिर्फ सरकाजम में वे में बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सरकास्टिक में बोल रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, कि मैं ये ब्लॉग इसलिए बना कि मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं गाइस, मैं करता हूँ ये हमेशा नहीं, लेकिन हाँ जब जब बहुत हो जाती है तब एक साथ निकाल लेता हूँ मैं। ये नहीं कि सिर्फ दिखा, इसलिए आज मैंने बना रहा था, मैं निकाल रहा था, तो मैंने व्लॉग बनाया, जिससे आप लोग भी सीखो कि आप लोग भी ये करो। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं गाइस, उनके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये देखो, ये जो ब्राउन वाली होती है ना, इन्हें हमें तोड़ लेना चाहिए। ये देखो, तो गाइस मैंने धीरे धीरे करके तोड़ रहा हूँ। अभी मेरे पास इसकी कलेक्ट हो गई है, और मैं और तोड़ रहा हूँ अभी। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डर्टी, इसीलिए मैंने निकाल देना चाहिए, और डर्टी ना हो जाए, गीली हो। ओके, तो गाइस इसके बाद प्रॉपर हैंड वॉश करूँगा मैं, बिकॉज ये थोड़े से गंदे हैं, और मेरी जीन्स भी मिट्टी हो जाती है फिर, इसलिए। और गाइस, अगर आप पूछो कि मेरा जीन्स का फेवरेट कलर कौन सा है, तो गाइस सिर्फ ब्लैक ही अच्छा लगता है मुझे। ब्लू बच्चों वाला लगता है, इसलिए मैं ब्लू नहीं पहनता। और वॉयलेट तो पसंद है, बट वॉयलेट कम ही मिलता है इसलिए कलर, इसीलिए मुझे ब्लैक ही जीन्स पसंद है। आप लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा ब्लैक ही जीन्स पहनता हूँ, अलग अलग टाइप्स की, इसीलिए। और गाइस ये देखो कितना कलेक्ट हो चुका है मेरे पास। और मेरे पास कितनी सारी कलेक्ट हो गई है। तो वैसे आप एक जब करना शुरू करोगे ना, तो यू हैव, मतलब आपको लगने लगेगा यार, ये देखो ये जो फ्लावर होगा, ये जो ये कितना क्यूट सा फ्लावर होगा, ये आपकी वजह से होगा, आपने हटाया तो इतना प्यारा हो पाया। तो गाइस, इट्स अ टाइप ऑफ अ गेम। आप गेम में अगर आप मेहनत करते हो तो आप गेम जीतते हो। तो जैसे इसमें मेहनत करोगे तो आप ये एक फ्लावर जीतोगे, है ना? तो गाइस, इसको करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। गार्डनिंग इज़ वेरी काइंड, और मतलब ऐसे मेडिटेशन करते हैं हम अपने माइंड को। तो मैं भी इनको अपने बच्चे जैसे समझता हूँ, और इनको यंगर ब्रदर जैसे समझता हूँ, और इनके साथ केयर करता हूँ। ये देखो गाइस, ये जैसे इनके जो हमारे में डिजीज़ होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी में डिजीज़ होते हैं, वैसे ही इनकी बॉडी में ये डिजीज़ होते हैं, तो इन्हें हटाना ज़रूरी है। ऐसे हमारे मदर पेरेंट्स जो मदर जितने हमारी मदर और हमारे जितने पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं? वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा, जो हम बच्चे से लेकर अभी तक इतने बड़े हुए हैं, हमारे बीच में कितनी वैक्सीनेशन हुई हैं, उसी लटाते हैं जिससे हमारे अंदर जितने डिजीज़ हैं वो कभी आए ना, या फिर जो हैं वो मर जाएँ। तो गाइस, इन्हें भी हमें अपने हैंड से, ये हमारे हैंड्स हैं, ये हमारा इंजेक्शन है, इसी से हमको इनकी केयर करनी है, तो ही इतने एवरग्रीन देख पाएंगे, वरना एवरग्रीन नहीं देख पाएंगे। अब जैसे इस लीफ में ग्रीन पार्ट है और ब्राउन, तो गाइस मैं सिर्फ ब्राउन पार्ट हटाऊंगा, ग्रीन लीफ मत हटाना गाइस,
उन्हें दर्द भी होता है, इसलिए सिर्फ ब्राउनी पार्ट हटाना। आई एम अ काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन बिकॉज मैं हर चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली टच हो जाता हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं कि किसी का मजाक उड़ाओ, बिकॉज एवरीबडी इज सब्जेक्टिव इन अदर थिंग। किसी को प्लांट्स नहीं पसंद, हर ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, तो हर चीज़ सबकी अलग अलग चीज़ फेवरेट होती है। तो मैं इसीलिए गार्डनिंग करता हूँ बिकॉज आई लव गार्डनिंग, आई लव और कुकिंग इसलिए करता हूँ, आई लव कुकिंग। कुछ लोग कहते हैं तुम लड़की हो क्या कुकिंग करते हो, लड़की ही सही क्यों, ज़रूरी तो नहीं है कि लड़कियाँ ही करती हैं, लड़के भी करते हैं गार्डनिंग, लड़के गार्डनिंग भी करते हैं, लड़के कुकिंग भी करते हैं, सब करते हैं लड़के, क्यों कुछ कर नहीं सकते क्या? मैं तो उन्हें सीधा सीधा जवाब देता हूँ, यू आर राइट, बस किसी से बहस करो ही मत, बस बोल दो यू आर राइट, बस वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी, कन्वर्सेशन एंड, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चंस, बस ख़त्म कर दो। तो गाइज अभी आपको मेरा फेस ढंग से नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है बहुत ज़्यादा ब्लैक है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे इसलिए कैमरा रख दिया, यहाँ पे शायद थोड़ा बेटर आ रहा हो। और गाइज ये देखो ये वाली भी इसकी ब्राउन रीफ है, तो मैं सिर्फ उसका ब्राउन पार्ट हटा रहा हूँ। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अभी मैं पत्ती अगर पेशेंस ना रखूँ पूरी पत्ती उखाड़ लूँगा, लेकिन नहीं गाइज आपको सिर्फ ब्राउन पार्ट हटाना है, ग्रीन पार्ट आपको रहने देना, जैसे ये ग्रीन है अभी इसमें थोड़ा और ब्राउन पार्ट है, तो मुझे ब्राउन पार्ट हटाना है, ये मैं हटाऊंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा कितना अच्छा प्लांट हो चुका है इस समय। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, इसका फ्लावर देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कितना प्यारा प्लांट लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे गार्डनिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा गार्डनिंग में और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं अभी धूप यहाँ पर बहुत तेज़ थी, लेकिन तब भी मैंने सोचा यार कि एक व्लॉग ऐसा बना दे जिससे सब लोग बहुत इंस्पायर हो गार्डनिंग से, जो लोग घर में समय बैठे हों वो लोग गार्डनिंग कर सकते हैं आराम से, क्या बहुत ही ज़्यादा आराम से, गेम खेलना छोड़ दो थोड़ा, गार्डनिंग करो, धूप में मत करो मेरी तरह। लेकिन अभी मैं धूप में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैं पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं जल्दी करके फिर नीचे जाके पढ़ूंगा केमिस्ट्री। तो गाइस एक और ऐसा ही प्लांट है, उसकी भी मैं यहाँ पे देखो ये देख रहे हो, इसका ये ब्राउन हो चुका है पूरा फ्लावर, तो इसको मैं तोड़ लूँगा, ये ब्राउन हो गया था इसका फ्लावर, बेचारा ब्राउन हो गया, बट आई लव दीज प्लांट्स यार, आई लव दीज प्लांट्स। और अभी हमारा बचा है, हमने अभी इतना तो कर लिया, मैं थोड़ा बैठ के आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। तो जी हाँ गाइज, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्लॉगिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा। उनको भी कितना ज़्यादा उनको वाटर, और वाटर देना भी बहुत, धूप में अभी मैं वाटर नहीं दे रहा, बट मैं शाम को वाटर देता हूँ, अभी नहीं वाटर देना चाहिए क्योंकि इन पर साइड इफ़ेक्ट्स वाटर के, इस समय धूप में नहीं अच्छे होते, इस समय धूप में वाटर नहीं डालना चाहिए प्लांट्स में। तो जी हाँ गाइज, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इन पे, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास एक एलोवेरा, मैंने आपको बताया था ना, तो मैं एलोवेरा दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखो आपने देख ही लिया होगा एलोवेरा कितना ज़्यादा अमेजिंग था। और गाइज आप लोगों को पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ अपने छत पे, पता है मेरा एक ड्रीम है, मैं अपने ड्रीम्स के बारे में बताऊंगा एक वीडियो में, उस पर बनाऊंगा कि मेरा ड्रीम क्या है, कल आएगा वो वीडियो ड्रीम वाला, या फिर कल आ सकता है एक और चैलेंज स्विमिंग पूल वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो आएगा या फिर वो आएगा ड्रीम हाउस वाला। ड्रीम हाउस क्या मतलब, ड्रीम थिंग, मेरा जो ड्रीम्स हैं, मेरे ड्रीम्स बहुत हैं। तो गाइज आपको कैसा लगा एलोवेरा, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है उसको देख के, एक फील आता है, एक अच्छा सा लगता है कि उसको देखो तो उसकी स्टेम्स और उसका वो उसकी लीव्स, उसका जेल इतना सॉफ्ट होता है, तक इतना पंची टाइप का होता है, चिपकू सा, इट्स अमेजिंग, आई लव दीज थिंग्स। कुछ लोग कहते हैं क्या करते हो, मैं यही करता हूँ मैं, कोई दिक्कत है? तो गाइज जो आपको पसंद है वो करा करो, मुझे सब पसंद है, मुझे गार्डनिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, सब पसंद है, मैं सब करता हूँ। किसी को एक चीज़ पसंद है उसमें अपना बेस्ट दो, ज़रूरी नहीं ऑलराउंडर बनो, ऑलराउंडर बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है जब तक आप हर चीज़ में बेस्ट मत हो जाओ, तो एक ही चीज़ में बेस्ट होकर दिखाओ तो मान जाएगा कोई भी आपको,
आपकी डिग्री उसमें मिल सकती है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कल मेरा आएगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग, तो होप आया आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज का ब्लॉग। तब तक के लिए गाइस स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।